नमस्कार दोस्तों, एचटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मणिपुर पहुंचे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मंच पर आते ही राहुल गांधी ने माफी मांगी, जाने क्या है वजह। मणिपुर के थोवल से रविवार 14 जनवरी को कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो गई। इस यात्रा के शुरू होने से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने मंच पर सबसे पहले वहां मौजूद लोगों से माफी मांगी। राहुल गांधी ने लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा, दिल्ली में कोहरे की वजह से हमारी फ्लाइट लेट हो गई। हमें पता है कि आप लोग सुबह से हमारा इंतजार कर रहे हैं, आप लोग परेशान हो गए, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने संबोधन के दौरान केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मणिपुर में भाई बहन माता पिता मारे गए, लेकिन आज तक पीएम मोदी आपके आंसू पहुंचने नहीं आए। ये शर्म की बात है। हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले, हमने भारत को जोड़ने की बात की, नफरत मिटाने की बात की, लाखों लोगों से बातचीत की और उनका दर्द भी सुना। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लिए मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा, हम मणिपुर के लोगों का दर्द समझते हैं, हम आपसे वादा करते हैं कि हम इस राज्य में शांति लाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा में हम सुबह 6 बजे से चलते थे और 7 बजे शाम को खत्म करते थे। हम आपकी बात सुनते हैं, आपको मन की बात नहीं बताना चाहते। हम आपके साथ मिलकर भाईचारे का विजन पूरे हिंदुस्तान के सामने रखने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं 29 जून 2023 को मणिपुर आया था और उस विजिट के दौरान मैंने जो देखा और सुना वो पहले कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना था। मैं साल 2004 से राजनीति में हूँ। मैं पहली बार ऐसे किसी राज्य में गया जहाँ गवर्नमेंट्स कोलैप्स कर गई थी, वो मणिपुर अब पहले जैसा नहीं था। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और दोस्तों, आपको खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें।